तो सबसे पहले हमारी IHF फैमिली की ओर से हमारे सबसे सीनियर और रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर का बहुत बहुत आभार उन्हें ज्वाइन करने के लिए। गुड आफ्टरनून सर, वेलकम सर। थैंक यू प्रवीण दा एंड थैंक्स जी सर, ऑल द आईएचएफ फैमिली फॉर जॉइनिंग। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेक द फैलकॉन पी ऑफ द रूब्रिक डिविजन अब्यूज्ड बीइंग। तो थोड़ा इसको समझते हैं। इसके पहले थोड़ा सा आप लोगों को जिसको मालूम है फैलकॉन के बारे में, कैसे अब्यूज होता है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, कैसे पकड़ेंगे क्लिनिक में, आप थोड़ा सा यदि किसी को अंडरस्टैंडिंग हो तो बताएं। फैलकॉन 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 पी फैलको पी यस। इसको बताएंगे या मैं शुरू करूं? नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। हाँ सर, जैसे कि फालकोपी बहुत ज्यादा एब्यूज फील करती है, उसको बिटेड भी फील करती है, जैसे कि उसको डेल्यूजन हुआ है कि वो प्रोस्टिट्यूट है, मतलब वो हमेशा यूज होती है, टेकन फॉर बी ग्रांटेड लिया जाता है, उसको एब्यूज किया जाता है, उसको थ्रोन, उसके बाद उसको फेंक देते हैं लोग, है ना। तो उसको तो उसी हिसाब से उसको थोड़ा ये लगता है कि नहीं, ये एब्यूज हुआ है। जो प्रोस्टिट्यूट का भी जो है ना, कि जैसे जिनको जब भी लगा कि मतलब उसके बाद वो जैसे कि ये ट्रैप फील भी करती है उसी रिलेटेड, मतलब लोग जो है कि एक डिटेचमेंट का भी रूब्रिक जो है कि जैसे कि लोग जो मतलब लोगों में कुछ इमोशन नहीं है कि लोग उनको पूरा उसको यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए वो ट्रैप कर रही है, अनसपोर्टेड फील कर रही है, तो वैसे ही अब्यूज हो रही है। तो वैसे मुझे थोड़ा इतना मालूम। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा आपने बताया इसके बारे में। तो और कोई कुछ बोले है? मैं शुरू करूं जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो फैलकॉन जो है ना, जो मेरे पास आता है, प्रवीण दा यहाँ। हाँ यस। तो फैलको जो है ये यूजुअली बहुत ही एम्बिशियस पर्सन होता है, हाईली एम्बिशियस पर्सन है। इसको यदि देखेंगे ना तो इसके सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, और ये बहुत कुछ करना चाहता है अपने लाइफ में, बहुत कुछ अचीव करना चाहता है, और उसमें वो अचीव करने की या कुछ करने की क्षमता भी होती है। ये काफी ऊंचा उड़ने वाला पंछी है और ऊंचाइयों को छूना चाहता है और छूने की हिम्मत भी रखता है, लेकिन आईपीआर में आईपीआर सब गड़बड़ कर देता है, तो ये पैथोलॉजी में जाता है। दिस इज का फैलकॉन पर्सन आर हाईली एम्बिशियस पर्सन एंड एबल टू परफॉर्म वेल इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल्सो। सो दे हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी टू डू द बेस्ट। दे हैव अ ड्रीम ऑफ हाई प्लेस, have a dream to achieve a high goal in their life. So we have the rubric, delusion high as a bird he is. है ना? जैसे एक पंछी है ना, फ्रीली काफी ऊंचे तक उड़ सकता है, ऊंचाइयों को छू सकता है, तो ये उस अपने कंपेरिजन उस ऊंचे उड़ने वाले पंछी की तरह होता है कि मैं काफी ऊंच उड़ सकता हूँ, मैं काफी दूर जा सकता हूँ, काफी ऊंचाइयों को छू सकता हूँ। डिल्यूजन एलिवेटेड एयर इन द Delusion enlarged, he is. Delusion
डिविजन बिटवीन हिमसेल्फ एंड अदर्स, तो उसके जो है ना, उसके और दूसरे के बीच में एक डिवीजन है, दूसरे उसकी जैसे नहीं है, मैं उनकी तरह नहीं हूं, मैं कुछ अलग हूं, और वो जो उसका जो अलग है ना, ये इस मामले कि उनके इसके पास जो कैपेबिलिटी है, इसके पास जो करने की क्षमता है, जो करने का सोचने का जो तरीका है, वो तो दूसरों से अलग है, और वो जो सोच है उसे बहुत ऊंचाई तक ले जा सकती है। एनलार्ज्ड हेड इज, उसके पास थिंक टैंक है, उसके पास आइडियाज है कैसे आगे बढ़ा जाए लाइफ में, कैसे क्या करने से हम आगे जा सकते हैं, कैसे करने से हम अपने मकान को पा सकते हैं, इसकी आइडिया जिसके पास बहुत है, और इसीलिए वह बहुत ऊंचे ऊंचे सपने देखता है, हाई प्लेसेस के सपने आते हैं, ड्रीम्स, कॉन्फिडेंस, ही हैज कॉन्फिडेंस, उसके पास कॉन्फिडेंस है, वो कर सकता है, हौसले बुलंद रहते हैं उसके, तो बुलंद हौसलों वाला जो है व्यक्तित्व है फैलकॉन की, और ये अपने लाइफ में काफी कुछ कर गुजरता है जो दूसरे हिम्मत नहीं करते, इसको डेंजर भी नहीं है, डर भी नहीं लगता, ठीक है। लेकिन क्या होता है, ये हाईली कैपेबल जो गाय है, हाईली कैपेबल जो पर्सन है, जो इसको क्या है, इसका जो आईपीआर इसे अब्यूज करता है, जब काम निकालना होता है उससे पूरी तरह से काम ले लेता है, जब वो मकाम पर पहुंचा देता है, कुछ कर बैठता है, फिर वो सामने आता है कि ये सब तो मैंने किया है, मैंने किया है, तुमने क्या किया, तुम्हारे पास क्वालिटी नहीं है, एंड उसी आईपीआर ने, जिसने जिस आईपीआर को उसने अपनी क्षमता से, अपने सोच से, अपनी मेहनत से बिजनेस को बुलंदियों पर पहुंचाया है, एक मकाम दिया है, एस्टेब्लिश किया है, जब एस्टेब्लिश हो जाता है तो वही आईपीआर उसी को ह्यूमिलिएट करना शुरू करता है कि तुम्हें आता ही क्या है, तुम जानते ही क्या हो, है ना, ये काम इस तरह से होता है क्या, तुम किसी काम के नहीं हो, निकम्मे हो, वगैरह वगैरह, इस तरह से उसे गालियां पड़ती हैं, है ना, उसकी जो ओपिनियन है उसको रेस्पेक्ट नहीं दिया जाता है, बोला जाता है ऐसे बेवकूफों की तरह होता है क्या काम, इस तरह से उसका मान मर्दन होता है, जिसके कारण से इसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे लो होता जाता है, जो कॉन्फिडेंस कभी बहुत हाई था वो गड़बड़ होना शुरू होता है, इसका डी पर्सनलाइजेशन शुरू हो जाता है, कॉन्फिडेंस खत्म होना शुरू हो जाता है ना। सो बिकॉज आईपीआर इज नॉट अप्रिशिएटिंग द क्वालिटी एंड ऑफन ह्यूमिलेटिंग ह्यूमिलेशन बाय द आईपीआर लैंड हिम इनटू द वेरी लो कॉन्फिडेंस एंड डी पर्सनलाइजेशन, है ना। अब क्या होगा, क्या है, एलिमेंट फ्रॉम अब्यूज आफ्टर बीइंग सेक्सुअली, एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन फॉर द लॉन्ग टाइम, एलिमेंट फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन, एलिमेंट फ्रॉम स्कॉर्निंग, एलिमेंट फ्रॉम सेक्सुअल ह्यूमिलेशन, एलिमेंट फ्रॉम एंगर सप्रेस्ड, अब जो गुस्सा ही जो बोल रहा है यार, गालियां दे रहा है, उसके मन ही मन में उसके अंदर गुस्सा दब रहा है, दब रहा है, दब रहा है, पेंट अप हो रहा है ना, वो भड़ास निकाल जब नहीं पाता तो उसकी पर्सनैलिटी ही बदलने लगती है, वो जो था वहां से उसमें डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाता है और उसमें बदलाव चालू हो जाता है ना? उसके अब इसके कारण से क्या होगा, आईपीआर जो हमेशा उस पर वाच रखता है, हमेशा नजर रखता है क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, हमेशा क्रिटिसाइज करता है, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, तो उसको लगता है ना कि हमेशा तो मेरे ऊपर ही नजर रखी जा रही है, जो काम नहीं कर रहा उसके ऊपर कुछ नहीं बोलता, मैं करता हूँ फिर भी मुझे ही सुनाया जाता है ना, मैं डेडिकेशन से काम करता हूँ, मैं पूरी मेहनत से काम करता हूँ, मैंने अपनी अपने आप को इसके पीछे बर्बाद कर लिया, इसके पीछे अपने को लगा दिया, कुछ भी अपना नहीं सोचा, और मुझे ऐसा ट्रीट दिया जा रहा है, ऐसे व्यवहार किया जा रहा है, ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है, तो यहाँ वो अब्यूज फील करता है ना। तो आई वी आर ऑलवेज कीपिंग एन आईज ऑन हिम, तो अब इन सब के कारण से क्या होता है, कभी उसे सपोर्ट नहीं मिलता, उसके जो सोच है उसको नकारा जाता है, तो इसकी फीलिंग आती है डेल्यूजन, अनसपोर्टेड, है ना, डेल्यूजन, वास्ट ही इज बीइंग वास्ट, डेल्यूजन फ्रेंडलेस ही इज, अब कोई उसका दोस्त नहीं रहा है, नोबडी जो है उसके साथ है, कोई भी उसके साथ नहीं है, सभी जो है उसके अब दुश्मन बन गए हैं, कोई भी उसके साथ नहीं है, सभी उसके सभी ने उसके रिलेटिव्स ने उसे घर वालों से रेपुडिएट कर दिया है, अपने फैमिली वालों के लिए वो अजनबी सा बन गया है,
धीरे धीरे वो अपने से भी अजनबी जैसा हो जाता है, अपनी वाइफ से अजनबी जैसा हो जाता है, सोसाइटी से अजनबी जैसा हो जाता है। उसको लगता है कि जैसे प्रोस्टिट्यूट को यूज किया और फेंक दिया, उस तरह की एक फील आती है, डिलीजेंट प्रोस्टिट्यूट ही है ना। भाई पैसे दिए काम करवाया, खाना दिया तुमने काम किया, अपना क्या किया, किसी काम के नहीं हो तुम, इस घर के नहीं हो, इस तरह की एक फीलिंग आने लगती है उसको। तो अब क्या होता है, यही इंडिविजुअल जो कभी पूरे ऑफिस की देखभाल करता था, पूरी बिजनेस की देखभाल करता था, फैमिली की देखभाल करता था, है ना, तो सेम इंडिविजुअल वॉज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, ऑफ द बिजनेस, ऑफ द फैमिली, ऑफ द ऑफिस, ऑफ द चिल्ड्रेन, ऑफ द रिलेटिव्स इवन। वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे इनडिफरेंस में चला जाता है। नो, अब छोड़ो, उदासीन हो जाता है, जिसके लिए वो पहले हमेशा आगे बढ़ने के लिए एक एम्बिशन लेके चलता था, एक गोल लेके चलता था, उसकी जो है वो एम्बिशन मर जाती है, खत्म हो जाती है ना। सो ही बिकम इनडिफरेंस टू बिजनेस अफेयर्स। अब बिजनेस से उसका इंटरेस्ट हट गया है, छोड़ दो, जाने दो, क्या करना है मेरे को, गालियां ही तो पड़नी है, मेरी बात तो वैसे भी कोई नहीं मानता है, बस चलो अगला जो है उसका भाई आ गया, छोटा भाई जो बाहर से पढ़ के आया है, अब उसको इज्जत मिलने लगी है, ऐसी एक सिचुएशन उसको डेवलप। So he become indifferent to his duties, to families, to loved ones, to relations. सबसे उदासीन हो जाता है, कोई मतलब नहीं रह जाता, किसी का बीवी है, पड़ी है, आया खाया चला गया, बात नहीं करना, अपने बच्चे हैं उनसे भी कोई ध्यान नहीं देना, बाप है ध्यान नहीं देना, जिस बाप को पीछे पहले बहुत केयरफुल था, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़ा है, बीमार है, बीमार है, देखने भी नहीं जाता, अच्छा हाँ कैसा है देख लिया, इतनी भी अब उससे नफरत हो जाती है कि अब उसके लिए भी नहीं पता, चलो उसको ध्यान चल कैसा है, इतना ज्यादा टूट जाता है, इतना ज्यादा इंडिफरेंस हो जाता है ना, बिकॉज ही हैज डन अ लॉट फॉर द फैमिली, उसने अपनी जिंदगी खपा दी थी उनको अच्छा करने के लिए, उनकी लाइफ के लिए, उनकी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, है ना, उनको एक अच्छी लाइफ देने के लिए, है ना, लेकिन क्या मिला उसे, एप्रिसिएशन तो मिला ही नहीं, अच्छे ओपिनियन तो थी ही नहीं, बल्कि इंसल्ट मिला, ह्यूमिलिएशन मिला, ये उसके भाग्य में जुटा है। So, अब देखो आप, जिसने अपनी फैमिली के लिए इतना किया उसके भाग्य में क्या मिल रहा है, उसकी किस्मत में इंसल्ट एंड ह्यूमिलिएशन है, तो क्या होगा, ये बंदा जिससे जो करता है कभी कभी दिल से करता है, उसके साथ यदि ऐसा किया जाए तो क्या होगा, वो इंडिफरेंस हो जाता है, स्ट्रेंज हो जाता है, क्योंकि इसको तो चाहिए था गुड ओपिनियन, लॉन्गिंग फॉर द गुड ओपिनियन, है ना, कुछ आ रहा है इधर, गुड ओपिनियन फॉर द फैमिली, from the family, the longing for good opinion of others and indifference opinion of others too, jo kabhi usko ek zarurat thi good opinions ki, kyunki maloom hai achhi opinion inse mil hi nahi hai, to wo kuch bol rahe koi farak nahi padta, kya bol rahe hai, kya opinion rakhte hai, padho main kharab ho kharab samajh lo, kya farak padta hai, main nalayak hu nalayak samajh lo, ha main nalayak hu, koi farak nahi padta, hai na, main nikamma hu, aaj nikamma hu, 10 बजे सो के उठता हूँ, आज ही उठता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी बोले ना, क्या कैसा लड़का है यार, ठीक है सुन लेता है और इंडिफरेंस बना रहता है, क्योंकि ये सब चीजें इंडिग्नेशन से उपजी हुई है जो उसको गुस्सा दिलाती है, लेकिन गुस्से को निकालता है ना। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं ना, हमें अक्सर मिलते हैं जिनके साथ बहुत बुरा हुआ होता है, और जिसके कारण से उनकी पूरी जो है पर्सनैलिटी ही बदल जाती है, उनके उनके जीवन जीने के मायने ही बदल जाते हैं, जो कभी किसी मकसद से जीना चाहते थे, अब उनको जीने का उनके पास कोई मकसद नहीं रह जाता है ना। अब हो जाता है कि मैं तो वर्थलेस हूं यार, मैं निकम्मा हूं, मैं किसी काम का नहीं, मैं क्यों करूं, वाई। सो वी सी हाउ एन इंडस्ट्रियस कैपेबल पर्सनैलिटी
चेंजेस इनटू द केयरलेस इंडिफरेंस इंडिफरेंट एंड स्ट्रेंज्ड वन, स्ट्रेंज हो जाता है सभी चीजों से, नहीं किसी की जरूरत है ना, स्ट्रेंज फ्रॉम द फैमिली, स्ट्रेंज फ्रॉम द सोसाइटी, स्ट्रेंज इवन फ्रॉम द सेल्फ, अपने से भी वो स्ट्रेंज हो जाता है। तो अब ये क्या करता है, फिर वो उसको नशे में अपने को खपा देता है, दारू का नशा लग गया, खैनी का नशा लग गया, तुलसी का नशा लग गया, है ना, मॉर्फिन का नशा लग गया, मार्जुआना का नशा लग गया, ये सब में बाहर जाने लगा, इधर जाने लगा, काम में मरने लगता है, 12 बजे सोकर उठता है, गया गया देखा कुछ हुआ हुआ नहीं, चला गया, इस तरह की एक लाइफ लीड करने लगता है, बिकॉज ही थिंक हिमसेल्फ गुड फॉर नथिंग बिकम, है ना, indifferent from the world, become detached from the family, become detached from the everything, सभी को से वो डिटैच हो जाता है, ऐसी एक लाइफ में चला जाता है, एक फील आती है delusion worthless ही is, तो क्या था delusion bird, है ना, high bird, वहां से इसकी जर्नी खत्म होती है delusion worthless पर, और चला जाता है दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम, और उसी में वो मस्त हो जाता है, पूरी जिंदगी से कट के अपने को उसमें झोंक देता है, जहां जो लाइफ उसे खत्म करने पर तुली होती है वो अपनी जिंदगी को ही बर्बाद करने पर तुल जाता है। ये एक छोटी सी जर्नी है फैलकॉन की, इसके बहुत सारे सेड है, बहुत बड़े मेडिसिन हैं, तो जस्ट हाउ फैलकॉन इज अब्यूज्ड ये थोड़ा सा समझने की बात है। इसमें यदि हम देखें तो अभी दिलीप दास ने जो पढ़ाया ना लाइसिन, तो दोनों में ही अब्यूज बहुत ज्यादा है, लेकिन थोड़ी थोड़ी बेसिक डिफरेंस है, जहां से हम दोनों के डिफरेंस को हम लोग थोड़ा सा समझ सकते हैं कि दोनों ही सेक्सुअली अब्यूज में है, दोनों में एंगर सप्रेस्ड है, दोनों का मॉडिफिकेशन होता है ना, लेकिन फैलकॉन जो है इसमें डोमिनेशन रहता है ना, एंड एंगर ऑल्ड विथ ट्रैंक्विलिटी, पहले तो बहुत गुस्सा होता था, चिढ़ जाता था, बात बात पर झगड़ा कर लेता था, लेकिन अब छोड़ दिया क्योंकि कोई असर नहीं होने वाला आईपीआर पर, आईपीआर तो समझता ही नहीं उसकी बात, वो तो उनके लिए मूर्ख बना हुआ है, वो तो उनके लिए बेकार बना हुआ है, निकम्मा बना हुआ है, तो अब क्यों करें, तो वो ट्रैंक्विलिटी में चला जाता, जैसा है चलने दो, क्या गुस्सा करना, जबकि ग्लाइसिन जो है गुस्सा करने के बाद डिपेंडेंस में जाता है, क्योंकि वो उस पर डिपेंडेंट है, उसके बिना चलने वाला नहीं है, इसीलिए लाइसिन जो है वो फैमिली से डिटैच नहीं होता, जबकि फैल्को फैमिली से डिटैच हो जाता है, इसलिए देखिएगा एंगर कोल्ड एंड डिटैच्ड, हमारे पास एक ग्लोबरी है एकदम बोल्ड हो जाता है, मेरे पास एक केस आया था, कभी शेयर करेंगे ग्रुप में, क्या शायद शेयर कर चुका कि नहीं पता नहीं, तो उसके साथ क्या था ना, फादर पड़ा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिटैच है वाइफ से, करीब 2.5 सालों से कोई संबंध नहीं है, बस आया गया खाना खाया हो गया, उसे कपड़े चाहिए कपड़े ला के दे दिया, कोई इमोशन इमोशनल रिलेशन नहीं, केवल उसके बेटे के साथ उसका रिलेशन है, बेटी के साथ में छोटी सी बच्ची है 2-2.5 साल की, केवल उस पूरे घर में केवल उसी से एक बातचीत करता है, अपने मन की बात करता है, उसका खेलता है, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं, बाप बीमार है देखने भी नहीं जाता, हालांकि लेके वही आया था, बस दिखाया काम, इमोशनल अटैचमेंट बिल्कुल खत्म हो गया है, ये कोल्ड एंड डिटैच्ड फीलिंग है फैल को। तो लाइसिन जो है आपको, फैल्को और लाइसिन बहुत बाइटिंग में है ना, तो फैल्को जो है अपने को बाइट करता है, अपने फैमिली के लोगों को बाइट करता है, जबकि लाइसिन जो है बाइटिंग कन्वल्शन ड्यूरिंग है, डिलीरियम ड्यूरिंग है, तो डिलीरियम में आता है बाइट करता है, लेकिन फिर उसे लगता है यार मैंने क्या कर दिया, अब तो ये मुझे मार के निकाल देगा, तो बिकॉज वो डिपेंडेंट है तो वो तुरंत फिर रिपेंट में जाता है ना, इसीलिए देखेंगे ना लाइसिन कभी भी अपने मास्टर की कंपनी, अपने आया की कंपनी को छोड़ना नहीं चाहता, उनसे रिलेशन तोड़ना नहीं चाहता, जबकि फैल्कॉन रिलेशन तोड़ देता है दिल पे हर्ट होने के बाद, उनसे अलग हो जाता है, डिटैच हो जाता है, ये आपको लाइसिन में इसमें डिटैचमेंट फैल्को में मिलेगा, जबकि लाइसिन में नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि लाइसिन को फीलिंग है सोल्ड ऑफ बींग फियर अनएंड्यूरेबल फियर सफोकेशन दोनों में है, लेकिन बेसिकली फैल्कॉन फियरलेस होता है, क्या होगा हो जाएगा, जो ना हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, तो ये लाइसिन और फैल्को के थोड़े से डिफरेंसिएशन थे, जो दिलीप दा ने बहुत अच्छे से लाइसिन बताया भी है,
मुझे लगता है आप लोग इसको पढ़ भी सकेंगे अच्छे से क्लिनिक में और अपने एक्सपीरियंस को यहाँ शेयर करेंगे। इसमें या किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। ऐसे बहुत बड़ी रेमेडी है तो हम लोग जितना इसको जानेंगे उतने हम फैल्कॉन को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो छोटा सा सेड है जो एक कॉमन सेड है जो आपको यूजुअली क्लिनिक में देखने को मिल सकता है फैल्कॉन का। रविंदा ओवर टू यू। जी सर, डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर। बहुत ही अच्छे से सर ने फाल्कोपे का ये जो अब्यूज फीलिंग का जो स्टेट है बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू रविंदा। हमारे किसी रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर का कोई क्वेश्चन है तो सर से पूछ सकते हैं। जी सर, तो अब हमारे जी सामने परविंदा जो है अपना अपने अंडरस्टैंडिंग रखेंगे अब्यूज्ड बीइंग के एक किसी मेडिसिन को लेके। तो वेलकम रविंदा, जी थैंक यू सर। लोग आपसे सीखेंगे। जस्ट तो प्लीज